और बताऊं, इस कलिकाल में हमारे पास सब कुछ है, एक दवाई नहीं। मन के मैल को धोने की दवाई हमारे पास नहीं, तन के मैल को धोने की दवाई है, तन के मैल को धोने की दवाई है, मन के मैल को धोने की दवाई नहीं है। हम तन के मैल को धोने के लिए साबुन है, शैंपू है, क्रीम पाउडर इत्री सब हम प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आखिर मन का मैल कैसे धुलेगा? क्योंकि देखो, ये तन जो है ये चलता है मन से, बिना मन के ये तन चलता नहीं। जब तक मन नहीं कहेगा कथा में आने के लिए, तब तक आपका पांव अपने घर से बढ़ेगा ही नहीं कथा में। मन होना चाहिए। 56 भोग की थाली आपके सामने सजी है, लेकिन मन नहीं है तो एक भी कौर एक निवाला आपके मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका मन नहीं है। मन होना चाहिए, ठीक। तो मन कैसे साफ होगा? बंधो माताओं, मन के मैल को धोने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के समापन में सूत्र दिया। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि दे गावहिं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि दे गावहिं। कलि मल मनो मल सोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहिं। कलि मल मनो मल सोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहिं। और करना क्या है? सत पंच कहां है सुन ही जगा वही। भगवान की इस कथा को जो कहता है, जो सुनता है, जो गाता है, उसके मन का मैल साफ हो जाता है। और क्या सुंदर व्यवस्था दिया गोस्वामी जी ने, तन के मैल को शरीर के मैल को साफ करने में परिश्रम भी लगता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मन के मैल को धोने के लिए परिश्रम भी नहीं करना। बिनु श्रम राम धाम सीधा वही, बिना श्रम के पहुंच जाएंगे। करना क्या है? सतपंच चौपाई मनोहर, पांच सात चौपाई केवल हृदय में धारण करो, उसी को गुनगुनाओ, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का सुमिरन, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन। और क्या करना? इससे सरल विधि कुछ नहीं हो सकती है मन के मैल को धोने के लिए बंधुओं माता। इसलिए हम सब का यह परम सौभाग्य है, नौ दिन भगवान की इस कथा को गाने का हम सबको अवसर मिला है। ये गायन की कथा है, ये केवल सुनने की कथा नहीं है, इसको गाना पड़ता है। जितना गाएंगे उतना भीतर से मन का मैल साफ होगा, उतना ही भगवान की भक्ति में डूबते जाएंगे और उतना ही जल्दी भगवान आपको मिल जाए। ये गायन की कथा है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहां ही
सुनही जे गावही गाना पड़ता है। कभी किसी से कहिए कि आपको गाना पड़ेगा तो एक आध जगह तो लोग उखड़ जाते हैं, भाई हम क्यों गाएं? मोटी मोटी दक्षिणा तुम लेते हो गाएं, हम क्यों गाएं? तुम गाओ, हम तो सुनने आए हैं। एक जगह हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हम क्यों गाएं? बताओ कारण, बताओ गाने का। इसके पहले भी किसी ने कथा गाई है, ये राम कथा किसी और ने गाई है। हमने कहा कि ऋषि गा रहे हैं, तुम भी गाओ। उसने कहा अच्छा इतने लोग गा रहे हैं। तो व्यक्ति जब फंसने लगता है तो नए नए तर्क नई नई युक्ति निकालता है। अच्छा ये बताइए, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो डिग्री होल्डर हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हमारे, किसी शास्त्र ने इस कथा को गाया है क्या? हम तो शास्त्र की बात मानते हैं, शास्त्रों ने इस कथा का गायन किया है क्या? हमने कहा भैया शास्त्र नहीं, शास्त्रों का बाप इस कथा को गाता है। गावत वेद पुराण रस रस हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण रत कलित ललित सियपीति। हमने कहा भैया चार वेद गा रहे हैं, 18 पुराण गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, तुम भी गाओ। अब फंस गए, अब फंस गए। उसको लगा अरे अब तो गाना ही पड़ेगा, तो अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र क्या था उसके पास? बाबा जी ये बताइए, हम तो ठहरे गृहस्थी, हम तो बाल बच्चेदार हैं, हमको तो दाल रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कथा को किसी गृहस्थी ने गाया कि नहीं? हमने कहा बंधुओं माताओं, गृहस्थी ने नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी इस कथा को गाते हैं। गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभो भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। दुनिया में इससे बड़ा गृहस्थी कौन हुआ भाई? भगवान शंकर और मैया पार्वती से बड़ा गृहस्थी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। वो दोनों बैठकर इस कथा को गाते हैं। मेरा निवेदन है हम सब इसको गाएंगे, निसंकोच गाएंगे, गलत सही की बिना चिंता किए हुए गाएंगे और भरपेट गाएंगे, भरपेट।